बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी ने 40 साल में संजय दत्त के साथ की है सिर्फ एक ही फिल्म, वो भी मजबूरी में। जानिए क्यों घुस गए थे चेंजिंग रूम में संजय दत्त। वेल, 80 का वो दौर जब श्रीदेवी का चार्म खूब जोरों पर था और बॉलीवुड स्टार संजय दत्त करियर की शुरुआत ही कर रहे थे। वेल, उस दौर में संजय दत्त श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब श्रीदेवी संजय दत्त से नाराज हो गई और उन्होंने उनके साथ काम करने से भी इनकार कर दिया। वेल, रूप की रानी ने उसके बाद 40 साल तक संजय दत्त के साथ कोई भी फिल्म नहीं की। वेल, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, और हम आपको ये बता दें कि वैसे इस किस्से की चर्चा तो बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर ही होती है। खलनायक और रूप की रानी का ये किस्सा बहुत ही मशहूर है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। वेल, 1983 में हुआ था ये वाक्या जिसने श्रीदेवी को हिलाकर रख दिया और उसके बाद उन्होंने कभी भी संजय दत्त के साथ काम न करने की कसम खाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी एक फिल्म से संजय को निकलवाने तक का फैसला कर लिया। ये बात तब की है जब श्रीदेवी फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग कर रही थी। जैसे ही संजय को उनके एक दोस्त ने खबर दी कि श्रीदेवी जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला की शूटिंग कर रही हैं, वो बिना देर किए ही फिल्म के सेट पर पहुंच गए। उन दिनों संजय का वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था, उन्होंने खूब शराब पी रखी थी और उसी हालत में उन्होंने फिल्म के सेट पर जाकर श्रीदेवी से मिलने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सेट पर श्रीदेवी नहीं दिखी तो संजय दत्त ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से श्रीदेवी का पारा हाई हो गया। नशे में चूर संजय दत्त श्रीदेवी से मिलने पहुंच गए उनके चेंजिंग रूम में। श्रीदेवी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसे कोई उनके कमरे में घुस आएगा और वो भी ऐसी नशे की हालत में। वेल, श्रीदेवी के चेंजिंग रूम में घुस गए थे संजय दत्त। चेंजिंग रूम में नशे की हालत संजय दत्त के घुसने के इस वाक्य के बाद श्रीदेवी काफी सहम गई थी, इतनी कि उन्होंने फिर कभी संजय के साथ काम नहीं किया और यही कोशिश रखी कि वो संजय के साथ कोई भी फिल्म साइन न करे। लेकिन समय का पहिया बदला और श्रीदेवी को संजय दत्त के साथ मजबूरी में एक फिल्म साइन करनी पड़ी। इस फिल्म का नाम जमीन था, लेकिन श्रीदेवी ने साफ साफ कह दिया था कि संजय दत्त के साथ उन्हें फिल्म में एक भी सीन नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद श्रीदेवी और संजय दत्त के पास साथ काम करने के मौके नहीं आए, लेकिन संजय दत्त के साथ श्रीदेवी का पहला एक्सपीरियंस इतना डरावना था कि वो उससे उबर नहीं पा रही थी और इसी चीज के चलते संजय के साथ उन्होंने जो भी फिल्म उन्हें ऑफर होती वो उसे रिजेक्ट कर देते। वेल, महेश भट्ट की फिल्म गुमराह के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म में संजय दत्त को पहले ही साइन किया जा चुका था। इस फिल्म का में वो दौर आ चुका था जब संजय दत्त का सक्सेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था और श्रीदेवी धीरे धीरे अपना चार्म खोती जा रही थी। पहले तो श्रीदेवी ने इस फिल्म से संजय दत्त को निकलवाने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो श्रीदेवी के पास संजय दत्त के साथ काम करने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। वैसे और कलाकार जो कि सेट पर थे वो बताते हैं कि श्रीदेवी और संजय दत्त के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद थी, लेकिन संजय दत्त ने श्रीदेवी के इस व्यवहार को नजरअंदाज किया और उस हादसे का असर संजय ने फिल्म पर होने नहीं दिया। फिल्म रिलीज होने के बाद जबरदस्त हिट रही और इसमें संजय दत्त और श्रीदेवी की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। वह संजय दत्त और श्रीदेवी की फिल्म गुमराह रिलीज हुए हो गए हैं पूरे 28 साल। फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को महेश भट्ट और यश जौहर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। फिल्म से जुड़े हुए लोग बताते हैं जो इसमें थे, जैसे कि अनुपम खेर, सोनी राजदान, राहुल रॉय, ये सब फिल्म के लीड रोल में थे। लेकिन श्रीदेवी को जब महेश भट्ट ने इस फिल्म का ऑफर दिया तब वो संजय दत्त का नाम सुनते ही परेशान हो गए। वो नहीं चाहती थी कि वो संजय के साथ स्क्रीन शेयर करें। वेल, ये वजह कहीं ना कहीं इसकी वजह थी वो चेंजिंग रूम का सीन।
वेल यहाँ नशे में संजय दत्त ने बिना नॉक किए जो उनके चेंजिंग रूम में घुस गए थे वो। इस घटना ने श्रीदेवी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था और वो इसे भुला नहीं पाई कभी भी। वेल हमें फेसबुक पर देखने के लिए द टॉलीवुड लाइफ के पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और द टॉलीवुड लाइफ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।